अगर आपने स्टडी परमिट के लिए एप्लीकेशन फाइल की है या आपके पास कॉन्फर्मेशन ऑफ परमानेंट रेसिडेंस है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Hey everyone, what's up? My name is Jayraj and welcome to my channel. और आज पहले मैं बात करने वाला हूँ द कोविड स्टेट इन इंडिया एंड कनाडा और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है स्पेसिफिकली फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड फॉर COPR होल्डर्स। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो पहले बात करते हैं हम कोविड स्टेट्स इन इंडिया। सो कल इंडिया में रजिस्टर हुआ था 42,648 केसेस और जब हम डेली न्यूज केसेस का ग्राफ देखते हैं फॉर इंडिया तो ये भी डाउनवर्ड ट्रेंड में ही चल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। सो अभी देखते हैं कनाडा का कोविड स्टेट जो कि है 768। सो गाइस, अभी बढ़ते हैं वो इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो कनाडा इन इंडिया ने 9 जुलाई को ट्वीट किया था कि अटेंशन स्टूडेंट्स, रजिस्टर टू जॉइन वन ऑफ आवर वेबिनार्स ऑन स्टडी परमिट प्रोसेसिंग। सो मेरे ख्याल से इस वेबिनार में वो बात करेंगे कि वो लोग कैसे प्रोसेस कर रहे हैं अभी जो भी फाइल्स है, जो भी बैकलॉग्स है वो कैसे क्लियर करेंगे, क्या उनका नेक्स्ट स्टेप होगा। एंड इफ यू वांट टू रजिस्टर फॉर दिस वेबिनार, आप नहीं कर पाओगे क्योंकि ऑलरेडी स्लॉट्स पूरे फुल हो गए हैं। बट डोंट वरी, मैंने रजिस्टर कर ली है और जो भी अपडेट्स होगा आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस। सो गाइस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करते हैं। सो जिनका COPR 18 मार्च 2020 के बाद एक्सपायर हो गया था, ये अपडेट स्पेसिफिकली उनके लिए है। ओके, सो इस ट्वीट में एक लिंक भी है जो कि आपको क्लिक करना है, आपको पता चलेगा कि व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स दे आर गोइंग टू टेक। और यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो शायद आप लोग को पता है ऑलरेडी है, कि जून 21, 2021 से COPR होल्डर्स कैन ट्रेवल टू कनाडा। और यहाँ पे जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे पहले उन्होंने लिखा है कि वी विल सेंड यू एन ईमेल अबाउट योर एप्लीकेशन, इफ यू आंसर द ईमेल एंड टेल अस यू स्टिल वांट टू कम टू कनाडा, वी विल टेल यू व्हाट टू डू नेक्स्ट। वो ईमेल में आपको रेस्पॉन्स भेजना पड़ेगा और उस रेस्पॉन्स में आपको ये बताना पड़ेगा कि यस यू वांट टू ट्रेवल टू कनाडा, वी मे आस्क यू फॉर न्यू मेडिकल्स और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ यू डू नॉट रेस्पॉन्ड वी विल कीप योर फाइल क्लोज्ड एंड यू विल हैव टू रीअप्लाई व्हेन यू आर रेडी टू कम टू कनाडा। अगर आप जाना चाहते हैं कनाडा सो प्लीज रेस्पॉन्ड देम दैट यस आई वांट टू गो टू कनाडा और ईमेल में अच्छे से उन लोग के साथ रिवर्ट बैक कीजिए। तो अगर आप उनके ईमेल पर रेस्पॉन्ड नहीं भेजेंगे दे विल क्लोज योर फाइल एंड अगेन यू हैव टू रीअप्लाई। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर कोई वीडियो अच्छा लगा है तो क्लिक द लाइक बटन, कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। एंड गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू वांट मोर सच अपडेट्स रिगार्डिंग कनाडा। Till then, see you in the next video. Peace out.